की क्लास में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है जो हम पढ़ते आ रहे थे, तो ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। HZP हमने कर लिया, 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। 2003 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि ये प्रोजेक्ट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो फिर जो भी नॉलेज हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिली, हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ है और फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, क्योंकि अभी तक हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है बेटा, अभी भी बहुत सारी रिसर्च बाकी है। तो हमारे सामने और क्या चैलेंज है कि हमें और क्या करना पड़ेगा, या फिर ये टॉपिक आता है प्रॉस्पेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ HZP क्या है। बेटा प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में हम इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। और इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, कि ये नॉलेज किस किस चीज में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो या तो आएगा एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस बताएं, या फिर आएगा व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ HZP। तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें क्या क्या फ्यूचर चैलेंजेस है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। ध्यान से देखना, थ्योरेटिकल पार्ट है। सबसे पहले ये चीज़ तो ये क्या कहना चाह रहा है, हमने ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंस को पता लगा लिया, हमने उसको प्रॉपरली स्टडी कर लिया। तो जब हम इसको प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे तो इससे रिसर्च के, बायोलॉजिकल रिसर्च के नए नए अप्रोच नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए इसने रास्ते खोल दिए। क्योंकि जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा तो हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गई, PCR टेक्नोलॉजी आ गई, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने डेवलप की। तो उनमें भी नई नई रिसर्च के रास्ते खुल गए। तो एक तो ये चैलेंज है कि अब हमारे पास और भी रिसर्च के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास खुल गए हैं, तो हमें उनके केस में भी नई नई अप्रोच लगानी। दूसरा क्या है, पहले क्या होता था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने से पहले लोग क्या करते थे बेटा, एक टाइम में सिर्फ एक या कुछ ही जीन को स्टडी करते थे। लेकिन अब HZP हमने पढ़ लिया, सभी जीन्स के बारे में हमें पता चल गया, सभी जीन के फंक्शन के बारे में हमें पता चल गया। तो फिर इससे हमें क्या डिफरेंस मिला बेटा, कि अब हम क्या कर सकते हैं, HZP की हेल्प से हमारे पास पूरे जीनोम के सीक्वेंस आ गई, हाई टेक्नोलॉजीज हमारे पास डेवलप हो चुकी हैं। तो अब हम पूरे के पूरे जीनोम को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। पहले हमारे साथ प्रॉब्लम थी, हम सिर्फ एक या कुछ ही जीन को एक टाइम में स्टडी कर पाते थे, अब हम पूरे के पूरे जीनोम को ही क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एट वन टाइम। दूसरा इससे एक और बेनिफिट है, जैसे कोई भी सेल है, ठीक है, अब इस सेल का जो टोटल जीनोम है, क्योंकि वो एक साथ तो ट्रांसक्रिप्शन करता नहीं है, एक टाइम में तो इसके एक छोटे से सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लेकिन ऐसी तो यूनिट हमारे पास बहुत सारी है, हमारा जीनोम जो है वो तो बहुत बड़ा है। तो इसने ट्रांसक्रिप्शन किया तो एक ट्रांसक्रिप्ट बनाया, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया तो अपना अलग ट्रांसक्रिप्ट बनाया, इसने अलग बनाया। जब हम पूरे जीनोम को एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो हम इस सेल के सभी ट्रांसक्रिप्ट को भी क्या कर पा रहे हैं, एक साथ स्टडी कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन ए पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन और ट्यूमर, किसी भी मतलब पर्टिकुलर चीज है उसके अंदर जितने भी ट्रांसक्रिप्ट बन रहे हैं, मतलब RNA बन रहा है, जो भी RNA की सीक्वेंस बन रही है उसको भी हम स्टडी कर पा रहे हैं, सभी को स्टडी कर पा रहे हैं, कोई भी ऑप्शन हमने छोड़ा नहीं। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिला, अब ये देखो, अब हमने कहा कि ये पर्टिकुलर जीन ये फंक्शन करता है, ये पर्टिकुलर जीन ये फंक्शन करता है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में हम काम बताएंगे आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इस जीन के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए
कुछ और जीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, इस जीन के साथ इंटरेक्ट करेगा और फिर इसकी एक्टिविटी को या तो एनहांस करेगा या फिर इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। इसका मतलब जब हम एक टाइम में एक ही जीन का फंक्शन स्टडी कर रहे थे तो जीन की आपस में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर, हम उनको तो स्टडी कर ही नहीं पा रहे थे। उनको स्टडी कर नहीं पा रहे थे तो उनके इफेक्ट भी हमें नहीं पता चल पा रहे थे। तो इट ऑल्सो इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ इनॉर्मस नंबर ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टूगेदर, कि इतने सारे जीन और प्रोटीन मिलके भी काम करते हैं, इंटरकनेक्टेड है वो। इंडिविजुअली हमें उनको स्टडी नहीं करना चाहिए, हमें उनको सबको एक साथ स्टडी करना चाहिए क्योंकि उनके बीच में कनेक्शंस हैं, वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे की केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी हैं। अब वो एडिशनल पॉइंट्स क्या है ध्यान से देखें। ये तो था कि कुछ चीजें जो हमें एप्लीकेशंस की बात की, फ्यूचर चैलेंजेस की बात की कि इन फ्यूचर हमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉलेज हमारे किस काम आएगी। तो कुछ और पॉइंट्स भी हैं, अदर एडिशनल पॉइंट क्या, कि HGP से जो भी हमने नॉलेज गेन की, जैसे कि हमने देखा अगर DNA में वेरिएशन आती है तो उन DNA के वेरिएशन का उस इंडिविजुअल पे कोई ना कोई इफेक्ट भी आता होगा। तो अगर हमें नॉलेज है कि किस DNA वेरिएशन से उस इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, एट रिवॉल्यूशनाइज न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड सम डे प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। अगर हमें ये पता चल जाए कि किस वेरिएशन का ह्यूमन की बॉडी पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा, हमें कोज पता है, और जब हमें कोज पता हो तो हम उस डिजीज को कॉज, कारण पता है हमें, पता है कि ये चेंज आएगा तो ये चेंज आएगा, DNA में वेरिएशन आई तो सिक्वेंसिंग करके हमने उस वेरिएशन को देख लिया कि क्या चेंज हुआ है, तो वो वेरिएशन किस डिसऑर्डर में आती है तो उससे हम उस डिजीज को क्या कर लेंगे, डायग्नोस कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, डायग्नोस कर लेंगे। उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं क्योंकि कॉज हमें पता है, तो कॉजल ट्रीटमेंट हम देंगे और मे बी पॉसिबल हो आने वाले टाइम में हम उसको प्रिवेंट ही कर दें, उस म्यूटेशन को, उस वेरिएशन को आने ही ना दें। लेकिन अगर हमें उसका कोज नहीं पता, कारण नहीं पता, तो क्या हम कभी भी उसका ट्रीटमेंट या उसका डायग्नोसिस या उसका प्रिवेंशन कर पाते? नहीं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें क्या बताया, जैसे हमने अलग अलग वुमेन को स्टडी किया, तो जिसमें किसी वुमेन में कोई डिसऑर्डर है, तो अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जब हम एक हेल्दी ह्यूमन के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके DNA के सीक्वेंस में कहाँ चेंज है और उस चेंज की वजह से उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो भी हमें पता चल गया। तो हमें दैट मीन्स हमें उस डिजीज का कॉज पता चल गया, कॉज पता चल गया तो हम कॉज को ढूंढेंगे तो हम डिजीज को डायग्नोस कर लेंगे, कॉज पता है तो मे बी हम उसको ट्रीट कर पाए या मे बी इन फ्यूचर हम उसको प्रिवेंट भी कर ले। क्या कर ले? प्रिवेंट भी कर ले। तो एक तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट क्या है, हालांकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ ह्यूमन के जीनोम की स्टडी की, लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन जो है वो नॉन ह्यूमन सोर्सेज पे से भी बहुत सारे बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर हमें उनके DNA के सीक्वेंस पता हो तो ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी DNA सीक्वेंसिंग की, ठीक है, क्यों, ताकि हम उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज को स्टडी कर पाए, समझ पाए। और अगर हमने उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज को स्टडी कर लिया तो उस नॉलेज को फिर हम अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। किस किस फील्ड में, जैसे भाई हमें फूड मिलता है किससे, प्लांट से भी और एनिमल से भी। अब अगर मान लो किसी प्लांट में हमें प्रोटीन कंटेंट में चेंज करना है, तो नॉर्मली तो वो प्रोटीन कंटेंट हाई है नहीं उसमें, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज करना पड़ेगा।
तो अगर हमें ये पता है कि किस चेंज की वजह से इसकी बॉडी में क्या इफेक्ट आता है, तो हम आसानी से वो चेंज करा देंगे। तो हमें क्या करना है, उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज को स्टडी करने के लिए उनकी भी डीएनए की सिक्वेंसिंग की, और फिर उस नॉलेज को अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई किया, जैसे हमने हेल्थ केयर में अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ई कोलाई से हम क्या बनाते हैं, ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं। तो कैसे पता चला, कैसे बनाए, जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं होती, सिक्वेंस हमें पता नहीं होती, तो हम कैसे डायग्नोज कर पाते कि कौन सा जीन है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए कोड करता है, नहीं पता होता है। ऐसे ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बनाते हैं एग्रीकल्चर में, आजकल बहुत सारी इम्प्रूव्ड वेराइटीज आती है, तो वो भी कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमें ये पता चला कि इस गुड क्वालिटी के ट्रेट के लिए डीएनए का ये सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम उसकी सिक्वेंसिंग नहीं करते, उसके इफेक्ट को नहीं देखते, तो हमें वो भी पता नहीं चलता। इवन हमने इसको एनर्जी प्रोडक्शन में भी अप्लाई कर दिया है, और एनवायरमेंटल रेमेडिएशंस में भी हमने इसको यूज किया है, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन एक कॉन्सेप्ट है बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज करके पॉल्यूशन को कम कराते हैं। तो वो भी हमें कैसे पता चला कि कौन सा माइक्रोब किस पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा, वो उसके डीएनए की सीक्वेंस से हमें पता चला। तो इससे हमें ये एहसास हुआ कि हमें नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। अकेला ह्यूमन की सीक्वेंसिंग करने से हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन बहुत सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से कोरिलेटेड है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी भी नेचुरल कैपेबिलिटी को हमें फुल्ली यूटिलाइज करना है। तो ये फील्ड्स थे जिनमें हम इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते थे। तो फिर हमें एहसास हुआ कि हमें नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की भी क्या करनी चाहिए, सिक्वेंसिंग करनी चाहिए। अब कौन कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सिक्वेंसिंग की गई है बेटा, बैक्टीरिया के जीनोम की सिक्वेंसिंग हम कर चुके हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही यूज होते हैं। इवन ईस्ट के जीनोम की सिक्वेंसिंग हमने कर ली है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, एक हमने नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड के डीएनए की भी सिक्वेंसिंग की है, जो कि एक फ्री लिविंग है, नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, मतलब डिजीज कॉज नहीं करता है। और उस पैथोजन का, उसका नाम क्या है बेटा, नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड का, सीनोरैबडाइटिस एलिगेंस। ठीक है, इस सीनोरैबडाइटिस एलिगेंस के डीएनए की जब हमने सिक्वेंसिंग की, तो हमने देखा कि इसके जीनोम में 100 मिलियन बेस पेयर्स है, और लगभग 18,000 जीन्स इसके पास है। इसी तरीके से हमने ड्रोसोफिला के डीएनए की भी सिक्वेंसिंग की। ड्रोसोफिला को हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। प्लांट्स में भी हम सिक्वेंसिंग कर चुके हैं। प्लांट्स में किस किस प्लांट की हमने डीएनए की सिक्वेंसिंग की है, राइस प्लांट की एंड अरेबिडोप्सिस प्लांट की। किसकी सिक्वेंसिंग की है, राइस की एंड अरेबिडोप्सिस की। ठीक है, तो ये तो था इनके इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में। अब हमने कहा था कि जब हमने HGP प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, तो बायोलॉजी का एक नया एरिया डेवलप हुआ। ठीक है, जिसका डेवलपमेंट किस दौरान हुआ, HGP के दौरान हुआ, और वो नया फील्ड क्या था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्लोजली रिलेटेड कौन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्यों, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट किया, तो हमें एहसास हुआ कि बायोलॉजिकल डाटा तो बहुत बड़ा है, इसको हम बुक्स में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ह्यूमन के डीएनए के सीक्वेंस को लिखने के लिए 3300 बुक लगी थी हमारी, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। खाली एक ह्यूमन के डीएनए के सीक्वेंस करने से काम नहीं चलता है, और फिर हमें कंपैरिजन भी करना है अलग अलग ह्यूमन की करके। फिर हमने ह्यूमन के डीएनए को चिंपैंजी से कंपेयर किया, मंकी से कंपेयर किया, ये देखने के लिए कि वो कितने क्लोजली रिलेटेड है। तो ये चीज तो मैन्युअली तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी थी डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को रिट्राइव करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो साइंस की वो ब्रांच क्या कहलाती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो
लॉजी प्लस इन्फोमैटिक्स। बायो इन्फोमैटिक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायोलॉजी एंड इन्फोमैटिक्स। ठीक है, बायोलॉजिकल डाटा की हैंडलिंग के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? इन्फोमैटिक्स मतलब कंप्यूटर साइंस को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस को यूज कर रहे हैं। तो इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, एम ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या था? भाई हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप क्यों की, इसका कारण क्या था, इसके एम क्या है? तो इसका एम क्या है? पहला एम तो इसका था टू ट्रांसफॉर्म द बायोलॉजिकल पॉलीमेरिक सीक्वेंसेस, बायोलॉजिकल पॉलीमेरिक सीक्वेंस उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसकी फॉर्म में? सीक्वेंस ऑफ डिजिटल सिंबल। क्योंकि आपने सबने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर की होती है बेटा डिजिटल लैंग्वेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे बायोलॉजिकल डाटा है उनको डिजिटल सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा है बाइनरी नंबर सिस्टम, 0-1 डिजिट होता है, तो उन सिंबल्स में आपको इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करके फिर स्टोर करना है, किसमें स्टोर करना है? डाटाबेसिस में। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मेन एम रहता है कि हम हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, जो भी बायोलॉजिकल पॉलीमेरिक सीक्वेंस है, क्योंकि एचजीपी में हम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, तो उस सीक्वेंस को हमें डिजिटल सिंबल्स में कन्वर्ट करना है और फिर उनको स्टोर करना है, और जब भी जरूरत पड़े हमें क्या करना है, डाटा को रिट्राइव भी करना है, एनालाइज भी करना है। तो दैट मीन्स सेकेंड एम क्या हो जाएगा, टू डेवलप a variety of methods and tools of software